मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं हम। हालांकि टेक्निकली कहें तो ये नया बैच लॉन्च नहीं है, पुराना जो हमारा बैच चल रहा था जीपीएससी एएमबीआई का, उसमें कुछ चेंजेज हैं, अपग्रेडेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या क्या चेंजेज हैं सिक्वेंसली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चेंज तो भाई थोड़ा पोस्टर मैंने ठीक बना लिया है, पहले उतना ठीक बनाने नहीं आता था, बेबी कितना ठीक है पता नहीं, हालांकि इसका एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा चेंज है कि मैंने नाम रख दिया। मैंने देखा ना कि ऑनलाइन में जो लोग बैच लॉन्च करते हैं नाम रख देते हैं, मैंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी नाम रख देता हूं, तो मैंने भी नाम रख दिया। हालांकि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पर ठीक है, कॉपी वाली चीजें ऐसी होती हैं, थोड़ा गड़बड़, मैं उसको ठीक कर दूंगा। बाकी जरूरी जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ये तो ऐसा ही है, हालांकि जब कोर्स लॉन्च करते हैं तो एकदम अलग एनर्जी रहती है, भाई आ गए हम आपका उद्धार करने, पर भैया अपने अंदर ना वो वाला कॉन्फिडेंस और वो वाली फीलिंग आ नहीं पाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बैच आपका उद्धार करने आ गया है, ये ले लो सिलेक्शन श्योर है, यही लोगे तो ही होगा, ये सब मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आती तो कैसे कहूं। पर ठीक है, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारे साथ कंफर्टेबल हो, मुझे भरोसा है कि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर आप पहले से फॉलो करते हो, नहीं फॉलो करते हो तो आपको वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, मेरे ऐप पे भी मिल जाएंगी, मनु एकेडमी पे आप देख लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, बाकी दोस्त मित्र भी आपके होंगे, रिव्यू ले लीजिए, आपको ठीक लगता है तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। हाँ, एक बात की श्योरिटी है, आप जुड़ेंगे तो हम आपको निराश नहीं होने देंगे, मतलब जितना आप सोच के आए हो उतना तो हम जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे उससे ज्यादा करने की, ताकि आप सेटिस्फाई होकर जाओ, दूसरों को बताओ तो आप कॉन्फिडेंस से कहो कि जाओ वहां पे जितना आप दे रहे हो उससे ज्यादा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा भरोसा है कि हम इतना करेंगे, बाकी रिव्यू तो आपको ही देना है जो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बैच चल रहा है तो काफी सारे लोग इनरोल होंगे, जो नए हैं बिल्कुल उनसे रिव्यू लीजिए आप, ठीक है। चेंजेस क्या क्या है वो बताता हूं। पहली चीज तो ये कि इसमें हम लोग एआरटीओ का जो सिलेबस है वो ऐड करने वाले हैं, एआरटीओ का सिलेबस। अब बहुत सारे कहेंगे कि इससे पहले जब मैं एएमबीआई का बैच लॉन्च कर रहा था तो वहां पे मैंने कहा था कि एएमबीआई और एआरटीओ दोनों अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एआरटीओ का सिलेबस काफी अलग होगा। अगर हम ये प्रीअज्यूम करके चलें, हालांकि सिलेबस डिफाइंड नहीं है, हम ये प्रीअज्यूम करके चलें कि एएमबीआई वाला सिलेबस आता है या वैसा सिलेबस आता है थोड़ा ब्रॉडर वे में, तो कोई बच्चा एक बड़ा सिलेबस के लिए पैसा क्यों देगा, क्योंकि कोई अगर सिलेबस मर्ज होता है तो ऑब्वियसली वो फैकल्टी पढ़ाते हैं, उसको पैसा देना पड़ता है, तो कोई भी ऐसा कोर्स लॉन्च करेगा तो उसका ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो मैंने यही कहा था इससे पहले लॉन्चिंग में एमबीआई का, कि मैं अलग इसलिए कर रहा हूं ताकि कम सिलेबस पढ़ाना है तो कम पैसे में करेंगे, एआरटीओ में ज्यादा सिलेबस है तो उसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मर्ज क्यों कर रहा हूं भाई, देखो मर्ज सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं, पहले एआरटीओ आ रहा है, हमें सोचा कि ठीक है पढ़ा देंगे, और जो लोग ऑलरेडी इनरोल हैं एमबीआई, सोच के हम उनसे पैसा तो मांग भी नहीं रहे, भाई आप तो इनरोल भी हो, आपका तो जो पैसे दिए हो आपका उसी पैसे में चलेगा। हालांकि शुरू में तो 2500 या 3000 में लोग इनरोल, मुझे याद नहीं शुरू में बैच कितना में लॉन्च हुआ था, कम में ही लॉन्च हुआ था, डिस्काउंट भी था कुछ, तो आपसे तो इसलिए कोई चार्ज किया नहीं जाएगा। मतलब इन शॉर्ट जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, 4000 अभी बैच का प्राइस चल रहा है, RS 4000 है अभी, 4000 है ये, इससे पहले कम था पर ठीक है अभी 4000 है। तो जो लोग भी इनरोल हैं, चाहे इससे पहले के इनरोल्ड हैं चाहे अभी रिसेंट इनरोल्ड हुए हैं, सभी लोगों को एआरटीओ का सिलेबस मिलेगा, ऐसा आपको कुछ एडिशनली देने की जरूरत नहीं है। इसकी वैलिडिटी शायद अभी आपको कम दिखा रही होगी, वैलिडिटी इसकी टिल दिसंबर, जब तक एएमबीआई का एग्जाम नहीं हो जाता है, एआरटीओ का एग्जाम खत्म होने के बाद भी इसकी वैलिडिटी रहेगी, टिल दिसंबर रहेगी जब तक एएमबीआई, अगर फिर से एक्सटेंड होता है एग्जाम तो कोर्स भी आपका एक्सटेंड होगा, ये मैं हर बार कह देता हूं आपको, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है चलो पहले के जो एमबीआई के बच्चे हैं वो इनरोल हैं, उनसे कुछ एडिशनली लिया नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पर अभी भी तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको केवल एमबीआई पढ़ना है, और अब चूंकि इसमें एआरटीओ का सिलेबस ऐड हो रहा है तो इस कोर्स की प्राइस 6000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6000 हो जाएगी, जिसमें एआरटीओ का कंप्लीट सिलेबस और एमबीआई का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो भाई अब 6000 हो गई, और अब डिप्लोमा के जो बच्चा होगा जिसको इसमें इनरोल करना होगा या हमसे पढ़ना होगा हमारे बैच से, अब उसको 6000 देना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है भाई, ये पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो 6000 देना पड़ेगा, और डिप्लोमा वाले बच्चा उसको थोड़ा एआरटीओ करना है, एआरटीओ के लिए तो एलिजिबल भी नहीं है, पर फिर भी अगर वो बैच लेना चाहता है इसमें पढ़ना चाहता है तो उसको तो 6000 देना पड़ेगा। तो इसका कोई जुगाड़ है नहीं भाई, सच कहें तो। एक जुगाड़ है जो मैंने सोचा कि भाई अगर आप सच में हमसे जुड़ना चाहते हो तो अभी 2 दिन, मतलब ये बताने के 2 दिन तक हम कोर्स की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे,
कोर्स का प्राइस यही रहेगा। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसी प्राइस में आपको एआरटीओ का सिलेबस मिल जाएगा। पर हाँ, दो दिन बाद आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपके लिए खुला ऑफर है, इन दो दिनों में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, दो दिन का टाइम भी है। अगर आप एकदम नए हो, जानते नहीं हो हमारे बारे में, तो आपको रिव्यूज लेने के लिए, वीडियो देखने के लिए, सारे के लिए आपको टाइम दे दिया गया है। आप देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए, आपको लगता है इनरोल करना है तो कर लीजिए। इन्हीं 4000 में जो लोग इनरोल कर लेंगे तो उनको सारा सिलेबस मिल जाएगा, बाकी दो दिन बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 6000 रुपीज। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठता है कि जो बच्चे डिप्लोमा हैं और केवल एमबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कोर्स में हैं, इनरोल कर लिया है उन्होंने या कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला पोर्शन हमको नहीं करना है, ये वाला पोर्शन हमको करना है, ये एमबीआई के सिलेबस में है। देखो, कुछ सब्जेक्ट का डिफरेंस है, कुछ सब्जेक्ट तो हैं ऐसी जो पहले एमबीआई में भी नहीं थी, तो हो सकता है कि वो एमबीआई में हो और एआरटीओ में नहीं है, तो वो तो साफ साफ पता चल जाएगा। जो सब्जेक्ट होंगे उनमें हो सकता है कुछ पोर्शन कट करके एमबीआई में हो, एआरटीओ में नहीं हो, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। वो हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये वाला पोर्शन एमबीआई का है, एमबीआई वालों को केवल इतना ही करना है और एआरटीओ वालों को तो सारा करना है, एआरटीओ वालों को तो सब कुछ पढ़ना ही है, तो उसमें कोई उनको कोई डाउट है नहीं। पर एमबीआई को हम लोग गाइड करते रहेंगे कि देखो आप ये सिलेबस करो, इससे ज्यादा आपको अगर केवल एमबीआई करना है तो उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट ऑफ लेबर नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। बाकी जो टेस्ट सीरीज होगी एमबीआई की वो टू द स्पेसिफिक सिलेबस के हिसाब से होगी एमबीआई की, आरटीओ की तो होगी तो आरटीओ के हिसाब से होगी और आरटीओ के लेवल के हिसाब से होगी, पर एमबीआई की सेपरेट टेस्ट कराया जाएगा ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ। सिलेबस में भी बताया जाएगा कि आपको इतना ही पढ़ना है, इसके आगे के वीडियोज आप देखना चाहते हो तो देखो, आपकी मर्जी है, पर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग बाइफरकेट करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो, मिनिमाइज करें, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो लोग एमबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा कि आप इसमें और सिलेबस क्यों डाल रहे हो, आपको एडिशनली मिल रहा है, ठीक है। आप ज्ञान लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं ना लीजिए, इसके अलावा दूसरे एग्जाम में देंगे तो शायद वो आपको हेल्प करे अगर आप पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि भैया पढ़ाएगा कौन, तो एक तो मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरा एक सर ऑलरेडी हैं जिनका लेक्चर चल रहा है, और दो टीचर और इसमें ऐड किए जाएंगे। इससे पहले भी ट्राई किया गया था पर ठीक है, उस समय पे सिलेबस भी डिफाइंड नहीं था, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आए थे उनमें, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा लोड इस वजह से नहीं लिया क्योंकि आपका प्री डिफाइंड कुछ था नहीं कि कब तक एग्ज़ाम होगा, अभी कुछ आया नहीं था। अब चूंकि सारा कुछ आ गया है तो बहुत जल्दी ही आपके रिव्यू के बाद, डेफिनेटली पहले डेमो वीडियो डाले जाएंगे, आपके रिव्यू के बाद ही जिनको आप कहोगे वैसे दो टीचर और ऐड कराए जाएंगे और विथ टाइम आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। इतना तो आपको हमारे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। अगर आप लोग पहले से इनरोल हो, सेटिस्फाई हो, तो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करिए। बाकी जो लोग नए इनरोल हो रहे हैं, हम आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। बाकी आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, कोर्स परचेज करना है तो आपको मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे वहां से। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।